पॉइंट्स टू बी फॉलोड, मैंने आपको बताया कि इसके बाद पॉइंट्स टू बी फॉलोड, आपने कौन कौन से पॉइंट फॉलो करने हैं प्रिपेयर करने के लिए 40 डेज में। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये आपके पास ऑलरेडी होंगे क्योंकि आप प्रिपेयर कर ले हो। अगर नहीं है तो आप क्या करो, मोबाइल से डाउनलोड करके उनकी हार्ड कॉपीज निकाल लो। इस टाइम जब आपने स्टडी स्टार्ट करनी है, आपने स्टडी रूम में बैठना है स्टूडेंट्स, तो नो मोबाइल फोन्स, मींस कि आपने मोबाइल फोन की हेल्प नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? अगर आप मोबाइल फोन की हेल्प लोगे कि मैं इस टॉपिक के लिए मोबाइल फोन देख लेता हूं, मोबाइल फोन लाओगे आप, जैसे वो टॉपिक क्लिक करोगे आपके पास टॉपिक अच्छे तरीके से आ जाएगा, लेकिन उस टॉपिक के आगे बहुत से और टॉपिक दिए होंगे तो आप क्या करोगे, मैं चलो इसको भी क्लिक करके देखता हूं, इसको भी क्लिक करके देखता हूं। जब आप क्लिक करते रहोगे तो आप अपने टॉपिक से टोटली क्या होगे, डिस्ट्रैक्ट होगे, मतलब यहां पे डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी। तो इसलिए जब आपने अपने स्टडी रूम में बैठना है तो कोई भी मोबाइल फोन अपने साथ नहीं रखना है। इसलिए क्वेश्चन पेपर्स की आप क्या करो, हार्ड कॉपीज अपने पास रखो और उनको बार बार करो जितना हो सके, जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप क्या करो, रिपीटेड 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 सॉल्यूशंस करो किसकी, क्वेश्चन पेपर्स की, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस बन जाए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या करती है, आदमी को परफेक्ट बनाती है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गए तो दूसरा पॉइंट आपने क्या फॉलो करना है, सबसे बड़ा पॉइंट है डिफिकल्टी टू स्टार्ट। किसी को कोई चीज स्टार्ट करनी है तो यार मैं आधे घंटे बाद कर लेता हूं, मैं कल कर लेता हूं, मैं परसों कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैन हैज मैनी एक्सक्यूजेस, उसके पास बहुत सी मैनी एक्सक्यूजेस हैं, जैसे आज ये कर लेता हूं कल वो कर लूंगा, तो वो एक्सक्यूजेस को छोड़ के आपने स्टार्ट करना। अब जब आप स्टार्ट करोगे तो बिगनिंग इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि अगर आपके सिटिंग जो हैबिट है वो खत्म हो चुकी है तो आपने सिटिंग हैबिट बनानी है। सिटिंग हैबिट बनाना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है किसी पेपर को, किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपकी सिटिंग हैबिट बन गई तो एवरेज स्टूडेंट भी IAS बन सकता है, नीट की तो बात ही छोड़ो। लेकिन सिटिंग हैबिट जो है वो बिल्कुल सबसे मेन चीज है, जैसे टाइम मैनेजमेंट पेपर के लिए और सिटिंग हैबिट लर्न करने के लिए, किसी चीज को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपने सिटिंग हैबिट बनानी है, कितने हवर्स, 12 आवर्स। अब आज मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया फॉर 80 आवर्स, तो अगर आप 2 दिन या 4 दिन के बाद स्टडी करने हैं तो आपने वही 40 डेज, आज से 40 डेज कैलकुलेट कर लेने हैं, तो जो आपने आवर बढ़ेंगे जैसे 500, 510, 520 आवर बन जाएंगे, उनको भी 20 डाल लेना, यानी कि 12 से 14 घंटे अपनी स्टडी को कर लेना। थर्ड है, मैंने स्टडी मटेरियल के बारे में बोला है, तो स्टडी मटेरियल कोशिश करो कि अभी आपके पास कम टाइम है, नेसेसरी स्टडी मटेरियल को क्या करो, अपने पास रखो, अननेसेसरी को अवॉइड करो क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करेगा। अननेसेसरी पढ़ोगे तो आपको लेंथियस्ट हर चीज लगेगी, तो हर चीज को ब्रीफ में करो, शॉर्ट में करो, नेसेसरी को करो, अननेसेसरी को अवॉइड करो। उसके बाद बी ट्रू टू यूर सेल्फ, यानी कि बी फेथफुल। क्यों? आदमी इज बेस्ट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, मैन अपना खुद का मास्टर होता है, सबसे बड़ी बात है। मां बाप तो कहते हैं हमारा बेटा जो है वो नासा में साइंटिस्ट बनेगा, वो इसरो में साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन बच्चे को पता होता है कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मास्टर बनूंगा या इनमें से कुछ नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ असेसमेंट जो है वो सबसे बड़ी असेसमेंट है। मुझे ये पता होगा कि मेरे में क्या वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं। अगर आपने नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना है तो 2 बातें मैंने यहां लिखी है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ को मैंने डबल टिक किया है, मीन कि स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रांग करो, और वीकनेस को मैंने रेड से क्रॉस किया, यानी कि वीकनेस को इरेडिकेट करो। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल, नीट के एग्जामिनेशन हॉल में वीकनेसेस अपने साथ लेके जाओगे तो आप जो है नीट क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अपनी वीकनेसेस को बिल्कुल टाटा बाय बाय करके जाइए ताकि आप नीट क्रैक कर सको। इस बार का जो गोल्डन इरा है, ये COVID-19 ने सबको प्रॉब्लम में डाल दिया है, लेकिन नीट एस्पायरेंट्स के लिए एक नई उम्मीद जगी है,
जहां 80 डेज पहले एग्जामिनेशन हॉल में बैठना था वहां 80 डेज बाद में, यानी कि 80 डेज की और प्रिपरेशन मिल गई है। डोंट लेट के ये अभी और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, हमारा एग्जाम नहीं होगा। आप ऐसे पढ़िए कि जैसे आपका एग्जाम कल ही है, आप ऐसे पढ़िए ताकि आपका डेली एग्जाम है, आपने डेली एग्जाम देना है। अपने आप को बी प्रिपेयर यूर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स फॉर नीट। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।